बताएं। आज तो मुझे केदारनाथ और कैलाश पर्वत दोनों साथ में दर्शन हो गए, पूरा बॉडी पूरा गर्म हो गया और पसीना भी आने लगा और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गर्मी का एहसास हो रहा है जी। थैंक यू सहजपाल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आज की इस ध्यान से मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ही साथ में मैं कैलाश भी घूमी, मैंने मानसरोवर झील के पानी को भी छुआ है और वो भरा भी है और फिर केदारनाथ में मैंने शिवलिंग चढ़ाया है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, फीलिंग वेरी लाइट एंड एक अलग सी एनर्जी है बॉडी में अभी ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जो फील हुआ था, बट इट वॉज रियली रियली वेरी वंडरफुल। सो गुरु जी ग्रेटिट्यूड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी प्रवीण मांग के लिए क्या म्यूट था ना, इसलिए एकदम नशे में हो। नींद जैसा बहुत कुछ था, जैसे आपने दर्शन का बोला था एकदम बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे पक्षाल वगैरह पूजा करते, तो वहाँ पे जो कैलाश मानसरोवर थे वहाँ पे शंकर जी लास्ट में दिखे, जैन भगवान भी दिखे, वैसे मूर्तियाँ वगैरह सबके दर्शन भी हुए, जैनों के भी तीर्थ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी काफी कुछ मजा आया। उसके बाद पक्षाल वगैरह पूजा की और केदारनाथ के यहाँ पे शिव जी और काफी देवतागण भी उनके लाइन में खड़े हुए थे, पक्षाल वगैरह कर रहे थे, फूल वगैरह अर्पण कर रहे थे, माता पार्वती भगवान शंकर गणेश जी कार्तिकेय सबके दर्शन हो गए, नंदी के भी दर्शन, गण के भी दर्शन, सबके सब कुछ हो गया। मेरी इच्छा थी कि वहां पे जाके मैं मिलूं कैलाश माता, आपने यहीं से करवा दी, कहने का मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको। थैंक यू। बलराम जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। दर्शन सबके हो गए हैं और आते हुए बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है, 5 मिनट में आ जाएगी एनर्जी, बहुत ज्यादा फील हो रही है, हमें एनर्जी आ जाएगी आपके 5 मिनट। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मान सरोवर जो झील है वहाँ के जो दर्शन है मतलब वो आपने करवा दिए, मैंने उसके पानी को फील किया, टच किया, दो दो जो कमंडल थे उसमें उठा के मैं लेके गया हूँ। हाँ केदारनाथ, केदारनाथ को पहली बार अच्छे से देखा, नंदी जी को देखा, भीतर जाके जल चढ़ाया और वो जो आपका था ना म्यूजिक उसमें एक वो घंटा का जो था टाइमिंग वो इतना परफेक्ट था कि मैं उसमें पहुँचा ही था और घंटा बजाने वाला था तो उसी समय बजा, इट वॉज सच अ शेयर कोइंसिडेंस गुरु जी। और उसके बाद आसपास साधु वगैरह भी थे तो मैंने उनको भी देखा और बहुत बढ़िया था अनुभव। थर्ड आई यहाँ पे मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा भड़क रही है, एनर्जी बहुत अच्छा है, ग्रेटिट्यूड एंड धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय। बहुत नमः शिवाय। हाँ नमस्ते गुरु जी, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेरे को लगा मेरे बॉडी से एनर्जी थोड़ी अलग हो गई एंड देन थोड़ा थोड़ा एलिवेट होने लगा एंड मैंने एनर्जी को बहुत फील किया, पूरा चीज मैं बर्फ के अंदर में मैं घूम रही थी, मेरी एनर्जी घूम रही थी एंड आई वॉज वेरी एनलाइटन्ड। और फिर मैं को एक वेग शिव जी का फिगर पूरा क्लियर नहीं था लेकिन आई कुड फील कि ही वॉज देयर, आई सॉ हिम एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट, एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। नाम गुरु जी सर, मैं कैलाश से वापस नहीं आ पाई, मैं वहीं पर ही रह गई, मैंने वहाँ पर गणेश जी की प्रॉपर हंसी सुनी है, प्रॉपर हंसते हुए खूब खिलखिलाहट सुनी है उनकी, और उसके बाद में फिर उनको शिव जी और पार्वती को दोनों को बैठे हुए देखा है, उनको मैंने जल अर्पण किया है, फूल अर्पण किए हैं उन्हीं की बगिया में से लेकर, और उसके बाद में फिर मैंने उनकी परिक्रमा ली, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब लगा कि अब मुझे केदारनाथ जाना चाहिए तब हार्डली 2 या 3 मिनट के लिए मैं केदारनाथ गई हूँ और वहाँ पे मैंने जाके जल अर्पण किया है। तो इट्स वेरी वंडरफुल, मतलब लाइक मैं अपने आप में नहीं हूँ अभी इस टाइम भी, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को वापस वहाँ से आना चाहिए। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी मैं, मेरे को
बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को, ऐसा महसूस हुआ कि मैं बॉडी में नहीं हूँ तो, और मतलब इतना आनंद आ रहा था कि मैं वापस आना नहीं चाह रहा था उससे बाहर। तो विजुअलाइजेशन में मैंने सब कुछ किया पर लेकिन मैं वापस आना ही नहीं चाहता था जैसे मैं स्टिल था। वो याना को भी ऐसे ही हमारे साथ बैठी थी तो याना को भी एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस हुआ। मैंने पूछा तो ये कहती मैं बाहर ही नहीं आना चाह रही थी, मेरे को बड़ा मजा आ रहा पूरी फैमिली प्लॉट कट रहे हैं हमारे। थैंक यू। ठीक है बुकिंग कर लो भी अपने अपने प्लॉट की। नमस्ते गुरुजी, मैं बद्रीनाथ गया हूँ, केदारनाथ जाने का सुजोग नहीं मिला था उस दिन, लेकिन आज मैं केदारनाथ का साक्षात दर्शन भी हो गया तो मैं भी, मुझे वो जो फील अभी भी आ रहा है, मुझे लग रहा है उधर घर घर के रह जाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आपका भी प्लॉट कटवाते हैं। दीप्ति लांगिया जी आप बताएं। जी नमस्ते गुरु जी, अच्छा लगा। मैं थोड़ा लेट आई आज और जब आपने कैलाश आपने जब मानसोबर का मेंशन किया, आंखें बंद की तो मैं वहीं पाई गई, दर्शन हुए शिव जी के और जल लिया वहां से और फिर वहां से केदारनाथ गई, बहुत अच्छा लगा रहे मुझे। और मैंने पहले भी सबको बताया है कि सबसे बड़ी मेरे लिए चमत्कार कह लीजिए, सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड मेरा इसी बात का है कि जो बीमारी डॉक्टर्स नहीं बता पाए थे, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था, वो यहाँ आकर फर्स्ट रीडिंग में आप ही ने बता दी थी। और उसके बाद मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, जो एलोपैथी में उसका इलाज भी नहीं है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने मुझे 3 महीने कहे और मैं यहाँ आकर हीलिंग ले रही थी। विद इन अ मंथ्स टाइम दैट सिकनेस इज गॉन, मैंने सोनोग्राफी कराई है, ब्लड रिपोर्ट्स कराई है एंड दैट सिकनेस इज गॉन। मेरे लिए कोई मिराकल से कम नहीं है, तो आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। लास्ट वीक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा काम शुरू हो जाए, तो काम की बात शुरू हो गई है, काम शायद शुरू हो जाएगा इस हफ्ते, काम भी हो जाएगा। जी सर बहुत अच्छा अनुभव रहा, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा फील किया, मैंने एक परिक्रमा की कैलाश पर्वत की, वहाँ पर शिव पार्वती जी दोनों लाइट दिखे, बिल्कुल लाइट दिखे। और उसके बाद मैं अपने यान में बैठकर केदारनाथ गई, वहाँ पर जल चढ़ाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा भी, जैसे जैसे आप बोलते गए वैसे वैसे अब मैं ऊंचाई पे जाती गई, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे, मानस सरोवर जब गई तब भी बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसके बाद में जब मैं केदारनाथ गई तो वो उधर बहुत मतलब उधर की वाइब्रेशंस बहुत थे, जैसे ही आपने वो घंटा बजाई तब मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई, नहीं तो तब तक मैं पूरे मतलब उधर घूम ही रही थी और दर्शन वगैरह भी बहुत अच्छा। थैंक यू तो भांगी बोल। बहुत अच्छा फील हुआ सुबह से, कल से आज शिवरात्रि है बोल रहे, तो एक कलर थी तरह की भूख थी बहुत, अभी ये मेडिटेशन करती बहुत अच्छा लगा, शांत हो गई दिमाग दिल पूरा बॉडी शांत हो गए, कैलाश पर्वत से भी दर्शन हो गए, परिक्रमा किए कहाँ से, और एक मेरी एक अंदर की जो प्यास भूख थी बहुत बड़ी, तो बहुत अच्छा फील हो गया, इतना रोई भी आज से आपकी जो एक अलग ही खुशी, बहुत खुश हो गई आज। चलिए बहुत अच्छा गुरु जी प्रणाम। मैंने ये भी देखा कि मैं केदारनाथ कभी गया नहीं हूँ लेकिन मैं शंकर जी के सामने बैठ के भजन गा रहा हूँ, और जो उधर सब लोग थे वो साथ में मेरे बैठ के अभी लोगों ने भी मुझे थोड़ा साथ किया, भजन मस्त एकदम भजन हो गया, सब लोग खुश हो गए थे, मेरे को इतना अच्छा लगा कि सामने शंकर भगवान मेरे सामने उनका भजन चल रहा है, बहुत खुश हो गया, लाश हो गया। थैंक यू गुरु जी।